हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एचआईवी के कैसे डायग्नोस कर सकते हैं एचआईवी को, और हम कैसे बच सकते हैं एचआईवी से, इसके बारे में आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि मेडिकल, नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसीज की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले एचआईवी है लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में, कि हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं एचआईवी इन्फेक्शन को। ठीक है, तो इसमें दो ही टेस्ट आते हैं, जिसमें कि है एलाइजा टेस्ट और सेकेंड है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एशे। अगर ये है पूरा आपके एलाइजा का फुल फॉर्म। अगर आप एलाइजा का टेस्ट करवाते हैं और इसका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो आप में एचआईवी का इन्फेक्शन तो हो गया है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए आप कौन सा टेस्ट कराएंगे? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, पहली बार में ही अगर एलाइजा आपके में पॉजिटिव आ जा रहा है, तो आप उसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करवाएंगे। ये दो डायग्नोसिस होते हैं, अगर आप में एचआईवी का इन्फेक्शन हो गया है तो आप इस तरीके से अपना एचआईवी डायग्नोस कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे सेल्फ टेस्टिंग किट आ चुके हैं, जिसको आप उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कि आप किसी को बताए बगैर ही आप अपने एचआईवी इन्फेक्शन का टेस्ट कर सकते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है या फिर निगेटिव आता है। बहुत सारे मेडिकल स्टोर ऐसे भी हैं जो कि आपको आपके घर में लाकर देते हैं, और किसी को पता नहीं चलता है कि आपने आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है या निगेटिव आया है, क्योंकि ये एक गुप्त रोग माना जाता है। इसलिए आप इस तरीके से भी अपना टेस्ट खुद घर पर ही कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं एचआईवी इन्फेक्शन से, इसका प्रिवेंशन क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एचआईवी कैसे फैलता है, इसमें कौन कौन सी चार मुख्य चीजें हैं जो कि आप अगर करते हैं या आपकी आपके अगर धोखे से भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट था सेक्सुअली या सेक्सुअल रिलेशनशिप, बट ये क्या होगा? अनप्रोटेक्टेड होगा अगर तब। नेक्स्ट है कंटामिनेटेड ब्लड का, अगर आप यूज करते हैं या फिर नीडल यूज करते हैं, कंटामिनेटेड नीडल यूज करते हैं, और मदर टू चाइल्ड। ठीक है, ये चार कंडीशन होते हैं जिसमें आपको एचआईवी का इन्फेक्शन होता है। प्रिवेंट करने के लिए आपको इन्हीं चार चीजों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले, अगर आप अनप्रोटेक्टेड जो सेक्सुअली रिलेशनशिप बना रहे हैं, उसमें आप अनप्रोटेक्टेड ना करके आप कॉन्डोम का यूज कर सकते हैं। चॉइसेस भी आती है जिसका आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंटामिनेटेड ब्लड। कंटामिनेटेड ब्लड भी आपको एचआईवी का शिकार बना सकता है, क्योंकि ब्लड में और साथ ही समाई वेजाइनल सिक्रीशन और सेमाइनल फ्लूड में भी बहुत एचआईवी के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो आप अगर किसी कहीं से भी अगर आपको जरूरत पड़े कि आपको ब्लड लेना जरूरी ही है, तो आप सर्टिफाइड ब्लड ब्लड बैंक से ही ब्लड लें, और उसके पूरी डिटेल दी हुई होती है, उसको बहुत सावधानी से पढ़ें, तभी आप उस ब्लड का उपयोग करें, अन्यथा ना करें। नेक्स्ट है आपका नीडल। अगर आप कोई भी इंजेक्शन ले रहे हैं या फिर कहीं पर आपको इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप डिस्पोजेबल सीरिंजेस का ही यूज करें। आप कहीं भी जाते हैं तो आप अपना जो सीरिंज है, या फिर वो साथ लेकर जाए, या फिर उनसे एक लिखने के लिए कह दे कि इसके लिए कौन से नंबर का डिस्पोजेबल सीरिंज जो है वो लगेगा या कौन से सीसी का लगेगा। तो आप हमेशा डिस्पोजेबल सीरिंज का ही यूज करें, दूसरे का यूज किया हुआ सीरिंज कभी भी उपयोग में ना लाएं।
दोस्तों आपको पता होगा कि पहले जो है इंजेक्शन है एक व्यक्ति में, फिर उसी इंजेक्शन को गर्म पानी में डुबाकर फिर दूसरे व्यक्ति में यूज किया जाता था। उसी को बंद करके अब जो है आपका डिस्पोजिबल सीरेंजेस का यूज किया जाता है, क्योंकि HIV का जो इन्फेक्शन है वो सीरेंजेस से भी फैलता है, क्योंकि उसमें ब्लड स्टेन लगा होता है, आपके बॉडी के फ्लूड्स लगे होते हैं और साथ ही एक कट भी उसमें रहता है जिससे आपके बॉडी फ्लूड जो है मिक्स हो जाते हैं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए डिस्पोजेबल सीरेंजेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मदर टू चाइल्ड। अब मदर टू चाइल्ड के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप ART का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर जो मदर है वो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी का यूज़ करती है तो चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि उसके चाइल्ड में भी HIV का इन्फेक्शन हो। तो अगर आपको पता चल जाता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं तो आप एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी का यूज़ करें ताकि आपके चाइल्ड में ना हो। ये थी दोस्तों HIV के बारे में की जानकारी, हम कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं और साथ ही इसके डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी हिट करें ताकि मेडिकल नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसीज की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।